श्रद्धे नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोग कोरोना के इस दौर के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आरके सिंह जी, सासाराम के माननीय सांसद छेदी पासवान जी, विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी, भाजपा की महिला मोर्चा प्रभारी श्रीमती निवेदिता सिंह जी और इस कार्यक्रम से जुड़े विधानसभा क्षेत्रों के सभी एनडीए प्रत्याशीगण, यहां एनडीए के चारों घटक दलों के सभी पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ये जो कोरोना वायरस का दौर चला पूरे दुनिया में, लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में काफी पहल हुई और हम लोगों ने बिहार में इनके द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक सब काम करने की कोशिश की है। अब यहां जांच का भी दर बिहार में हम लोगों ने काफी अच्छा करने में सफलता प्राप्त की है और इसके अलावे अब जो रिकवरी रेट है बिहार में वो लगभग 94% है। इलाज की भी सारी व्यवस्था है और जो कोरोना के दौरान केंद्र से सहयोग मिला वो आप सब लोगों को मालूम है। जो हमारे लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे उनके लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन किया और वो भारी संख्या में यहां पर पधारे। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारियों को पीडीएस की अतिरिक्त सहायता दी। आप समझ लीजिए कि अप्रैल से शुरू होकर के नवंबर महीने तक के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और एक परिवार में 1 किलो दाल या चना का वितरण किया जा रहा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार को मुफ्त में एलपीजी का कनेक्शन मिला हुआ है और कोरोना के दौरान 85 लाख परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह की दर से 3 माह की राशि प्रदान की गई और इसके बाद जो हमारे लोग बाहर से यहां आए उनको मजबूरी में बाहर न जाना पड़े, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ बिहार से ही करवा दिया। अब उससे लोगों को काफी सहूलियत होगी और मजबूरी में लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावे कोरोना के जांच और इलाज के लिए भी काफी सहायता आवश्यक सामग्री की दी गई और इसके अलावे 500-500 बेड के कोरोना अस्पताल का भी निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। पटना जिले के बगल में बिहटा, पटना के बगल में और मुजफ्फरपुर के पताही में यह सब काम चल रहा है। और इसके बाद राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से लोगों को सहायता दी। जो हमारे लोग बाहर फंसे हुए थे
उनको हम लोगों ने 21 लाख लोगों को 1000 रुपए दर से प्रति व्यक्ति विशेष सहायता दी। लॉकडाउन के कारण राशन कार्ड धारियों को यानी 1,64,00,000 राशन कार्ड धारियों को उन परिवारों को 1000 रुपए के दर से सहायता दी गई और बिहार सरकार ने लगभग अब तक इस दौर में 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च किया है। हालांकि कोरोना का मृत्यु दर पूरे देश में जो विश्व का मृत्यु दर है उससे काफी कम है और हम लोगों का राष्ट्रीय औसत से भी कम है और हर जो इस प्रकार के लोगों की मृत्यु होती है उनके परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4,00,000 रुपए की सहायता देते हैं और केंद्र सरकार ने अन्य सभी योजनाओं के लिए काफी प्रशंसनीय योजनाओं की शुरुआत कराई। आप सोच लीजिए किसान सम्मान निधि योजना हर किसान को 1 साल में 6,000 रुपए देने की जो योजना इन्होंने चलाई, चुनाव के पहले ऐलान किया और अब किस तरह से मिल रहा है, 3 खंड में लोगों को 4-4 महीने में यह सब पैसा मिलता है। बिहार के 75,00,000 किसानों को इसका लाभ मिल रहा और बिहार की प्रगति के लिए अनेक काम, समय कम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम सब सुनना चाहते हैं, आप सब लोग इसके लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र के द्वारा और बिहार में सड़कों के और पुलों के निर्माण के लिए भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना की स्वीकृति देकर उस पर काम चल रहा है। तो इस प्रकार से हर तरह से, और आपको मालूम है पहले यहां 15 साल लोग राज करते रहे हैं पहले, और क्या था, यहां कोई संस्थान की स्थापना होती थी, मेडिकल कॉलेज का क्या बुरा हाल था, हम लोगों ने 3 मेडिकल कॉलेज पहले स्थापित किया और 8 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है और 8 नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। तो एक एक काम, कई चीजों में जो सहयोग मिल रहा है, हवाई अड्डों के निर्माण में मिल रहा है, तो केंद्र सरकार के द्वारा बिहार की प्रगति के लिए, बिहार के लोगों के लाभ के लिए योजनाएं चलाई जा रही है और खास करके बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई विशेष सहायता दी है और विशेष योजनाएं भी चलाई है। मैं इसके लिए समस्त बिहार वासियों की तरफ से उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप लोगों ने जो काम करने का मौका दिया हम लोगों को, एनडीए को काम करने का मौका दिया है, यह तीसरा दौर हम लोगों का चल रहा है और इस दौर में भी हम लोगों ने काफी कुछ काम किया है। हम ज्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे लेकिन जान लीजिए पहले कितना अपराध था, उन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला, अपराध कितना था, सामूहिक नरसंहार, अपहरण की घटनाएं, कितने डॉक्टर को यहां से भागना पड़ा, कितने व्यापारियों को भागना पड़ा और हम लोगों ने अपराध पर नियंत्रण किया और केंद्र सरकार के द्वारा हर वर्ष प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े सभी राज्यों के बारे में। अभी सबसे हाल में जो अपराध का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों का, उसमें आप जान लीजिए बिहार की इतनी आबादी और अब बिहार अपराध के मामले में 23वें नंबर पर है। तो हम लोगों ने इतना अपराध के नियंत्रण के लिए भी जो काम किया है ये आप सबको मालूम है। और विकास का दर आप समझ लीजिए, पहले जो विकास कुल सकल घरेलू उत्पाद उनका था, जब उन लोगों का कार्यकाल समाप्त हुआ उस समय 76,466 करोड़ और अब यानी स्थिर मूल्य पर 4,14,977 करोड़ रुपया हो गया और विकास दर भी बिहार का 12.8%, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि 10.52%। तो यह सब काम बिहार के लिए किया गया और बजट का क्या आकार, जब उन लोगों को काम करने का मौका मिला तो उनका बजट जो अंतिम वर्ष का बजट उनका था और वो बजट 24,000 करोड़ रुपए से भी कम, और जब हम लोगों को काम करने का
मौका आप लोगों ने दिया है तो अब बजट का आकार बढ़ते बढ़ते 2,11,000 करोड़ रुपए से भी आगे गया है। तो हम लोगों ने भी सेवा की है और अब तो हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल पहुंचाने का काम चल रहा है, 83% के करीब पहुंच गया। हर प्रकार से हम लोग पूरे देश में शौचालय का निर्माण, बिहार में भी लब तक वो काम पूरा हो गया। तो ये सब काम किया जा रहा है। और इतना ही हम आपको कहेंगे कि अब पहले क्या हाल था बिजली का, जब उन लोगों को काम करने का मौका मिला तो पूरे बिहार में बिजली की खपत 700 मेगावाट थी और अब 6000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली की खपत है। तो हर प्रकार से जो विकास का काम है वो सब हम लोग करेंगे और एक ही बात कहेंगे, अब इसके आगे मौका दीजिएगा तो हर घर में बिजली पहुंचा दिया है, लेकिन इसके बाद हर गांव में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे कि रात में अपना बिजली घर का बंद करिए, पूरे गांव में रोशनी रहेगी अगर आगे मौका दीजिएगा। अनेक काम हम लोग इन सब चीजों के लिए करेंगे। और एक बात आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि अगर हम लोगों को आगे काम करने का मौका दिया तो हर खेत तक सिंचाई पहुंचा देंगे हम लोग। एक एक काम हम लोग ये सब काम आप सब लोगों को करेंगे। और जो नई तकनीक है इन सब, और आप समझ लीजिए श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया है, अब जो नई टेक्नोलॉजी है उसका लाभ लोगों को मिले, गांव गांव तक पहुंचाने का काम ये कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि अगली बार मौका मिलेगा तो इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम सब लोगों को, हमारे जितने लोग हैं, युवा हैं, युवती हैं, सब लोगों को उसका प्रशिक्षण कराएंगे। तो आगे मौका दीजिएगा, हम लोग काम करेंगे। अब तक हम लोगों ने सेवा की है और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया गया, हर इलाके के विकास के लिए काम किया गया। अगर आप आगे मौका दीजिएगा तो केंद्र सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार की पहल से पूरा बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और एक विकासशील बिहार के रूप में यह परिणत होगा। यही कहते हुए मैं पुनः श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं। और एक ही अपील करता हूं कि हमारे एनडीए के तमाम प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद, आपको प्रणाम। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।